रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है जो भाई बहन में प्यार के अपार समुद्र को दर्शाता है। आपके द्वारा भेजी गई राखियां सैनिकों को देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। ये राखी हमें देश की रक्षा करने का दायित्व प्रदान करती है। यह विचार आर्मी पोस्टल सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक VMS मेजर जनरल MK स्वान ने व्यक्त किए। वे प्रहार समाज जागृति संस्था द्वारा चिट्टवे सेंटर में आयोजित सैनिकों के लिए राखी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान आर्मी पोस्टल सर्विस सेंटर काउंटी की विंग कमांडर कर्नल लवलीना उपस्थित थी। मेजर जनरल खान ने कहा कि इस वर्ष संस्था द्वारा गत वर्ष की तुलना में 1,00,000 राखियां अधिक भेजी जा रही है। संस्था की सचिव फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे ने बताया कि विभिन्न स्कूल संस्थाओं और संगठनों ने प्रहार समाज जागृति संस्था के माध्यम से 2,50,000 राखियां सैनिकों के लिए भेजी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पूजन और अमर जवानों पर पुष्प अर्पित करके हुई। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्रहार वासुदेव लीला विद्या कुंज, प्रहार वासुदेव लीला मिलिट्री स्कूल और प्रहार डिफेंस अकादमी की छात्राओं ने अतिथि को राखी बांधी। कार्यक्रम का संचालन अदिति मिश्रा ने किया। आभार फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे ने माना। इस दौरान विभिन्न संस्था प्रमुख विद्यार्थी मौजूद थे। देखिए, हम रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है और उसी प्रकार हमारे सैनिक भाई भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। आज हम सब यहाँ पर खुले आसमान में सांस ले पाते हैं वो सिर्फ उनकी वजह से कि वो हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। और इसी एक भावना को जागृत करने के लिए हम लोग प्रहार समाज जागृति संस्था ये हर साल राखियाँ भेजती है सैनिकों को जो सीमा के ऊपर तैनात होते हैं। और बहुत खुशी होती है बताते हुए कि पिछले साल हमने 1,50,000 राखियां भेजी थी लेकिन इस साल हमने 2,50,000 राखियां भेजी। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।